राखी लांबा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही भोपाल में कहा कि अब भारत में यूसीसी लागू करने का वक्त आ गया है, वैसे ही विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लग गई। इस बयान के बाद लोगों की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। सीएए की तरह यूसीसी का भी विरोध किए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई। ओबीसी साहब कह रहे हैं कि इस कानून से मुसलमानों का हक छिन जाएगा, केंद्र सरकार उनसे उनकी आजादी छीनने का काम कर रही है। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं कि इस कानून से सभी को एक नजर से देखा जाएगा, किसी की आजादी नहीं छिनेगी। सीएए के विरोध के वक्त हम देख चुके हैं कि कैसे मुसलमानों को बहकाया गया। एक बार फिर से वैसे ही कुछ लोग देश के मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से यह ऐलान किया कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता, वैसे ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया और ये सियासी आज अब जम्मू कश्मीर तक जा पहुंची है। धारा 370 को हटाने का विरोध करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी तक दे दी है। बकरीद के मौके पर यूसीसी के बारे में बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को इस बारे में फिर से सोच लेना चाहिए वरना तूफान उठ सकता है। उन्होंने ये तक कहा कि मुझे लगता है कि उनको इस तरफ सोचना चाहिए, मुसलमानों का अपना शरीयत कानून है जिस पर उनको नजर रखनी चाहिए, इस पर सोचे, बार बार सोचे, उनके इस कदम उठाने से कोई तूफान भी आ सकता है। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूँगा जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसको इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। हालांकि राजनीति से इतर फारूक अब्दुल्ला ने ईद और अमरनाथ यात्रा की सभी को बधाई दी। ईद की बधाई देते हुए फारूक अब्दुल्ला भावुक भी हो गए। मैं मुबारक करता हूँ, कल से शुरू हो जाएगी, अल्लाह करे कि वो कामयाबी से जाएं और दुआएं यहाँ से ले जाएं। ईद की सबको मुबारक। ये वो दिन है जबकि अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम अलैहि सलाम पे कि जो सबसे प्यारी चीज है उसको मेरे नाम पे कुर्बान करो। उसने सोचा कि बस मेरा बेटा सबसे बड़ा, मैं उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसको ले गए अल्लाह के नाम पे और उसे कहा इस्माइल अल्लाह का हुक्म आया है। बेटे ने कहा जो अल्लाह का हुक्म है उसे पूरा करो और अल्लाह के पहुँचे जहाँ उनको ज़बह करना था, वहाँ अल्लाह का हुक्म आया कि बस इब्राहिम तुम कामयाब हो गए, जाओ कोई जानवर लाओ। आज वो दिन है जब अल्लाह के नाम पे हम कुर्बानी देते हैं। अल्लाह करे कि हमारी कुर्बानी कबूल करके हमारे मुश्किलों को कम करे और हम लोगों को अमन से और चैन से रहे। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस कानून से सबको समान अधिकार मिलेगा, तो इसमें विरोध की बात आई कहाँ से? और फारूक अब्दुल्ला वही हैं जो घाटी में 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ से इस श्रापित धारा को हटा दिया गया तो आज घाटी में खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं, जिसे खुद फारूक अब्दुल्ला भी मानते हैं। उन्होंने खुद कबूल किया था कि G20 के आयोजन और पीएम नरेंद्र मोदी के फैसलों से घाटी की सूरत बदली है। अब देखना होगा कि इस कानून को लेकर अब्दुल्ला की कब तक सहमति बन पाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।